गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं क्लास 9 को बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था चैप्टर 1 में, और आपका जो चैप्टर है वो जो आपका इसके पहले का लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पर जो है आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया। तो अब हम इसके बाद जो चलेंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे यहाँ पर लोग अपनी वीडियोज में, इसके बाद जो भी एक वीडियोज में बताई है वो जो है आपका क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ कुछ न्यूमेरिकली क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी होंगे। तो हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डील करेंगे आपके इस वीडियोज में, जो आने वाले वीडियोज है इनको वीडियोज में भी हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। हर एक टॉपिक से एक नए क्वेश्चन उठाएंगे और हर एक टॉपिक को डील करेंगे उस क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी शोन ग्राफिकली। जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है, इससे मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें? फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग डिग्री का बदल देंगे, जो डायरेक्शन को डी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में जाना है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमको ये जो लाइन है ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको नॉर्थ ईस्ट में जाना है 5 सेंटीमीटर, नॉर्थ ईस्ट मेरा डायरेक्शन, जहाँ 5 सेंटीमीटर जाना है, 5 सेंटीमीटर आपको मैग्नीट्यूड हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में जाना है, नॉर्थ ईस्ट जो है आपका होता है डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर जाना है नॉर्थ ईस्ट में 5 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, इट मीन्स ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको ऊपर में नॉर्थ का पोर्शन लेना होगा और नीचे में ईस्ट का पोर्शन लेना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। वेरी गुड। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो इसका डिग्री मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ये 90 है तो एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट का एग्जैक्ट हाफ जो होता है, एग्जैक्ट हाफ वही नॉर्थ ईस्ट होगा। तो 90 डिग्री का एग्जैक्ट हाफ कितना होगा? 90 डिग्री का एग्जैक्ट हाफ कितना होगा? 45। तो यहाँ पे तो लाइन बना है 45 डिग्री का बना, 45 डिग्री को लाइन कितना दूर का बना है? 5 सेंटीमीटर का बना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर लाइन बना था। और टूवर्ड्स इधर जहाँ पर मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, तो 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स और नॉर्थ ईस्ट हो गया। और इसका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, तो आप लोगों को इस तरीके से ही डील करना है उस क्वेश्चन को, ग्राफिकल क्वेश्चन को। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बोल रहे थे कि इसके बाद में हम क्वेश्चन से डील करेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एन एथलीट कंप्लीट वर्क आउट ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 240 सेकंड। एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उसका एक कंप्लीट राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द रेट ऑफ 2 मीटर 20 सेकंड, यानी आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। 2 मिनट 20 सेकंड से ये जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे कि मैं बता दूँ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी होता है किसी बॉडी का तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो डायमीटर ही आपका, और डायमीटर का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना 200 मीटर। तो डायमीटर का वैल्यू 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका सेम है उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ईजी था निकाल। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहला चीज, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर, तो टोटल अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका सर्कमफेरेंस निकालना होगा, और डायमीटर का सर्कमफेरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है पाई डी। पाई डी से सॉल्व किया तो 4400/7 मीटर, ठीक है। अब देखिए 4400/7 मीटर वो 40 सेकेंड हो गया, तो पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड से कितना जाएगा। अब जाहिर सी बात है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट का मतलब जो है आपका हो गया कितना 120, और 20 का मतलब हो गया 20 सेकंड, इट मीन्स टोटल 140 सेकंड।
टोटल आ गया आपका 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स नीचे लिख दिए हमें 140 सेकेंड्स यहाँ पे और नीचे लिख दिए 40, क्योंकि पहले एक का निकालेंगे उसके बाद 140 का निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए पहले 40 से डिवाइड किए क्योंकि 40 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस का और ज़्यादा था, और फिर 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आया है 2200 मीटर। यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 2200 मीटर हुआ और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 200 मीटर। अब चलिए इसके बाद और अगर कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश करते हैं तो चलिए ये आपका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है या कह लीजिए फिगर के द्वारा डिस्क्राइब करना है मोशन को। क्वेश्चन ये है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड राइजेस टू हाइट h, बहुत सिंपल। ये डिस्टेंस है और ये टाइम, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमें स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है। तो डिस्टेंस और टाइम, एक बॉडी है जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन थे, राइट करते पहले को बनाना था जीरो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किए तो एक हाइट पे गया h, ठीक है, एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब वापस को क्या आता है, वापस जीरो, जहाँ शुरू हुआ था जीरो से वापस से वहाँ आ गया जीरो का टाइम। लेकिन इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी और फाइनल का वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा हो, तो ये फिगर बन गया। ये फिगर है, फिगर आपको बहुत इजी वे में समझना है और समझ के बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। डिस्टेंस का, टाइम का, जीरो का, लाइट का जब शुरुआत हुआ क्या हो रहा है, जो बॉडी स्टोन वर्टिकली राइजेस टू हाइट है, टेका गया जब वो पहले रेस्ट में था, देखा गया तो एच पे पहुंचा, फिर वो क्या हो गया, रिटर्न टू इट्स इनिशियल, वापस टू जीरो हो गया। तो इस तरह से आपका कर्व लाइन बनेगा, एक तरह का समझिए डायग्राफ कह लीजिए या ग्राफ कह लीजिए। तो बेसिकली यही था आपका, मैंने अभी आपको दो तीन क्वेश्चन बताया जो कि ग्राफ से रिलेटेड था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। इसी तरह से आगे की वीडियोज में जो वीडियोज में आपको मिक्सड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे तो मैं नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दूंगा।